गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो पे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपका अच्छा दिन अच्छा जा रहा होगा। तो अभी मॉर्निंग हो रहा है 9, और मैं और भाई जा रहे हैं बनारस। और क्योंकि मेरा प्लान तो नहीं था, बट भाई कहने लगे कि चलो तुम भी साथ में, तो हम लोग बनारस जा रहे हैं। वहाँ से आजमगढ़ भी के लिए जाना है। एक्चुअली मैं वहाँ शादी है। तो क्या बना रही हो, बंदे बाहर रखा क्या कहाँ चिल्ला रखा है? बाहर रखे है। सारी जींसें पड़ी थी गंदी, एक जल्दी जल्दी धोई गई है, उसको सुखाया, वो थोड़ी गीली है, पर वैसे ही पहन के रखे हुए। तो अभी बस निकल रहे हैं नाश्ता करके। मेरा प्लान तो नहीं था, बट जबरदस्ती हम भैया कह रहे हैं कि चलो, अकेले की चक्कर में नहीं जा रहे। शादी है, रिलेटिव है, उनके यहाँ शादी है, तो बस वही जाना है। एक तो एक ये लिए लिए इसको पता नहीं कब कटवाएंगे, कल कटवाना था उसका, बताओ। ब्रेकफास्ट साइड में पैसे फट गया, वहाँ फट गया। देखो साइड में रगड़ कैसे आई है, कहाँ ये रगड़े थे ये? नहीं रखना होगा है। यहीं कहीं लगा दो। तो अभी हम लोग स्टेशन आ चुके हैं और ट्रेन 10:10 की है, वंदे भारत। ट्रेन आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 5 में, यही है वंदे भारत। एक तो दिक्कत ये है कि हमारी और भाई की दोनों लोग की सीट चेंज है। उनके सीट 12 में है, मेरी सीट 14 में। दोनों लोग अलग अलग, अगर किसी से कॉम्प्रो कोई करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो फिर अलग अलग बैठना पड़ेगा। बस आने ही वाली है ट्रेन, शायद आ गई। भीड़ देखिए कितनी ज्यादा है आज। भाई का इस वाले और मेरा सबसे लास्ट वाले में। बड़ी फुल है, बड़ी भीड़ है। मेरी वाली चाय मुझे मेरे ही कोच में मिलेगी। तो हम चाय पी के आए क्या जाके वहाँ से? है हाँ, तो चली भी गई होगी। ये है क्या? देखें ये, देखें ये क्या है, ये इंस्टर फेमस का कड़क टी जिंजर। प्रयागराज स्टेशन आ गया है। एक बज रहा है, पर अभी तक इन्होंने कुछ खाने को नहीं दिया, सिर्फ चाय के अलावा इन्होंने और कुछ भी नहीं दिया है। और वो भी चाय जो थी भैया उस कोच में थी। हम 14 नंबर कोच में थे, भैया 12 नंबर कोच में। मैं 14 में गया, तब उन्होंने उनसे बोला था, उन्होंने चाय बनाई, उन्होंने कहा चाय भी मिस कर देते। और अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं दिया खाने को, सिर्फ एक पानी की बॉटल पहुँचा दी है और इलाहाबाद क्रॉस कर चुके हैं। तो रेलवे वालों ने खाना दे दिया है, पर भैया को क्यों नहीं दिया पता नहीं, और उसमें क्या है पता नहीं। सबसे बड़ी इसमें ये है, अच्छा मिक्स पिकल, नमक, और ये है काली मिर्च पाउडर,
अब मुझे पक्का है एक में पनीर सब्जी होगी, एक में दाल होगी, एक में चावल होगा, एक मिक्स वेज होगी, एक दही होगा। आइसक्रीम भी देखे जाते हैं, देते हैं भाई, भाई देते हैं आइसक्रीम। अरे देते हैं, कैसे नहीं देते हैं वो। तो देखें भाई खाना रेलवे वाले, डन दो कौड़ी खाना था। रेलवे वालों थोड़ा और मेहनत करो खाने में। बनारस पहुंच चुके हैं वाराणसी में, देखिए स्टेशन पीछे है। बट अब यहाँ से बस लेंगे जो हम लोग को आजमगढ़ तक ले जाएगी। ये देखिए स्टेशन कुछ ऐसा है। यहाँ से जो ट्रैवल है उसमें हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आजमगढ़ दो घंटे का है। वाह ऐसे कलर कर रहा है ये। ये है वंदे भारत 2। बस से उतर चुके हैं बट अभी ऑटो का वेट कर रहे हैं। ऑटो देखो कब तक मिलती है। ऑटो नहीं मिल रहा है। मिल गया, ऑटो आ गया है। पहले तो पैदल जा रहे थे बट ऑटो आ गया है। गाड़ी 3 लाख। अब तो क्या बता, 10 रुपया बीच में कोई अकेले छोड़ी। ये बता अपने दिमाग तुम सोचा अकेले तो ना छोड़े। वह बता जन तो कह हम अकेले छोड़ सकेला, लेकिन तो चार्ज लगी जाता को भैया। ये कले मतलब ना। नहीं नहीं चलो भैया, कंफ्यूजन मत दिया करो ना किसी को। महिंद्रा की बढ़िया गाड़ी है, रॉकेट है। अब मेन रोड से लेके अब गांव तक कितने किलोमीटर होगा भैया? ये घर इनका गांव तक 1.5 किलोमीटर अंदर, वहां तक जाना है सिर्फ पैदल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग। यहां पे इतनी ठंड, शाम को तो ठंड नहीं थी लेकिन मॉर्निंग में इतनी ठंड है। आपको दिखाएं तो मतलब इतना ज़्यादा कोहरा है सर, कोहरे का नहीं। ये देखिएगा अभी आप, ये देखिए अभी तो धूप थोड़ी सी निकल आई है, नहीं तो जब मैं उठा था मॉर्निंग में 6 बजे तो इतना ज़्यादा था कोहरा, कुछ ये नहीं दिख रहा था। ये किसानों का पीक टाइम होता है, इस टाइम पे ये लोग क्या करते हैं कि जैसे बता रहे थे वो कि चावल हटाया, चावल की जैसे ही धान काट दी उसके तुरंत ही बाद गेहूँ लगा दिया, छोरा लगा दिया, ये सब चीज़ों की खेती तुरंत स्टार्ट कर दिया। मतलब 1 मिनट का समय नहीं है, और इनको समय मिलता है मई के टाइम पे। जो इनका रेस्ट टाइम होता है वो 2 महीने का समथिंग होता है, मई जून के टाइम पे। इसके बाद अभी हम लोग नाश्ता वास्ता यहाँ करके फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे 11 बजे के समथिंग, जो हम लोग बस पकड़ेंगे फिर वही बनारस, बनारस के बाद सीधे मतलब कानपुर, वहाँ से फिर वही वंदे भारत है 3 बजे पर, वो 6:30 बजे तक घर पर पहुँचाएगी। बताओ डांस करके दिखा दो। नहीं दिखाओगी? दिखा दो थोड़ा सा। ये चावल और ये अभी इस पे चलाया जाएगा ट्रैक्टर, तो इसके निकाल के ये देखिए ये सब चावल है। अभी पहले इसके ये सब निकाला जाएगा, फिर इसके बाद ये देखिए, फिर इसके बाद ये मशीन में जाके इसके अंदर से चावल निकलेगा। अभी तो ये सब फैलाया जा रहा है कि इसके ऊपर ट्रैक्टर चला के ये सब देखो ऐसे झड़ा है। ये पहला वाला कर चुके हैं लोग, इतना चावल लगा है। ये देखिए आ रहा है ट्रैक्टर, इसमें कि सब अलग हो जाएगा अपने आप। बार बार चलाया जाएगा इसको। जानू हटो। स्टेशन आ चुके हैं, बस वाले ने इतनी धीमे बस चलाई है, 2 मिनट में बस रोकी है। भैया वो ले रहे हैं पानी, वो बहुत तेज प्यास लगी, इतनी गर्मी। एक तो हम लोग जैकेट पहन के आए लेकिन दिमाग खराब हो गया है। अभी हो रही है साफ सफाई इसमें। बैठ चुके हैं और भाई जो बैठे हैं वो C7 बैठे हैं। थैंक यू फॉर ट्रैवलिंग विद इंडियन रेलवे। एक सैंडविच और टी और कुछ स्नैक्स, एक पाइनएप्पल ड्रिंक और पॉपकॉर्न। ये इन्होंने
अभी अभी जस्ट ट्रेन आई है, बस अभी हम लोग यहाँ। क्या हुआ? लाओ बैग हमें दे दो ना, बैग हमें दे दो। अभी अभी स्टेशन उतरे, सेंट्रल स्टेशन। भैया गया बाइक निकालने स्टैंड से।